वो डेरा गाजी खान से लेकर तो वहाँ लसबेला तक पूरा जो बलूचिस्तान है पंजाब का या पूरा इलाका जनूबी का वो डूब रहा है। कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है पाकिस्तानियों के लिए? दरअसल ये तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस नहीं है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मीडिया भी इस इशू को हाईलाइट नहीं कर रहा और पंजाब हुकूमत तो खैर वैसे ही एक अरसे से मुअत्तल पड़ी हुई थी और जो मरकजी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब वो भी इस मामले का खास नोटिस नहीं ले रहे। हालांकि एक जमाना था जब वो लॉन्ग बूट पहनकर निकल जाया करते थे लेकिन अब तो वो कम अज कम वो जो जिसको शोबाजी कलाफ के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो ये भी करने के काबिल नहीं रहे हैं। आप देख लें शुमारी बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है, क्वेटा में लोग धरना देकर बैठे हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों देहात सैलाब गुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी मसाइल हैं रोजमर्रा के वो अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमतें कोशिश कर रही है कि हमारा इख्तदार किस तरह से बच सकता है और वो इख्तदार बचाने के लिए जोड़ तोड़ साजिशें बहाजराई टकराव उसके साथ छेड़खानी इसके साथ छेड़खानी अब सुप्रीम कोर्ट के साथ पंगा ले लिया है। सो फोकस सिर्फ और सिर्फ इख्तदार है, जो इश्यूज हैं पब्लिक के और खासतौर पर जो तीन इशू मैंने आपके सामने रखी है ये तो अभी चल रहे हैं सरे दस्त पिछले चंद दिनों से जो सूरत हाल है जी हाँ। ये किसी हुकूमत की कोई तरजीह नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।